प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं संजय मौर्य आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ उन लोगों के विषय में जो ये प्रचार करते हैं कि ईस्टर नहीं मनाना चाहिए। ये लोग मसीहत के लिए और प्रभु की कलीसिया के लिए ब्रेकर का काम करते हैं। ये लोग मसीहत के बीचों रोड़े का काम करते हैं और ये लोग विश्वासियों के विश्वास को कमजोर बना रहे हैं। तो ऐसे तो आने वाले दिनों में ये लोग ये भी कहने लग जाएंगे कि होली वाले दिन प्रार्थना नहीं करना चाहिए, दिवाली वाले दिन प्रार्थना नहीं करना चाहिए, ईद वाले दिन प्रार्थना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईद वाले दिन प्रार्थना करोगे तो ये लोग कहेंगे तुम ईद मना रहे हो। और हम ये भी देखते हैं जब कलीसिया क्रिसमस मनाती है और गुड फ्राइडे मनाते हैं और ईस्टर मनाते हैं, इसकी वजह से विश्वासियों का विश्वास डेवलप होता है, वे मसीह में ग्रो करते हैं और इसकी वजह से हम लोग क्रिसमस और ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि ईसु मसीह का जन्म 25 दिसंबर वाले दिन हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन ईसु मसीह हर दिन, हर मिनट में, हर सेकंड में जन्म लेते हैं। जब लोग मन फिराते हैं, जब लोग तौबा करते हैं, जब लोग मसीह पर ईमान ले आते हैं, प्रभु यीशु का जन्म उनके दिल में, उनके जीवन में, उनके परिवार में हो जाता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्रिसमस सेलिब्रेट करने से, गुड फ्राइडे मनाने से, ईस्टर मनाने से सुसमाचार बढ़ता है, कलीसिया मजबूत होती है, कलीसिया का विश्वास मजबूत होता है और वे प्रभु में खुशी महसूस करते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के मरने जी उठने को सेलिब्रेट करते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वे लोग जो ईस्टर मनाने के लिए मना करते हैं उनका तर्क ये होता है, वो ये कहते हैं कि ईस्टर जो शब्द है वो ईस्टा देवी से आता है और जिस दिन प्रभु के लोग ईस्टर मनाते हैं वो ईस्टा देवी का त्योहार है और उसी दिन हम लोग ईस्टर को मनाते हैं। और इसलिए उन लोगों का तर्क है कि हमें ईस्टर नहीं मनाना चाहिए, इससे यीशु मसीह का कोई लेना देना नहीं है। पर मैं आपको ये बता दूं, हम तो ईस्टर मना ही नहीं रहे हैं, हम तो ईस्टर यीशु मसीह के जी उठने को कहते हैं, हम ईस्टर ईस्टर देवी को कहते ही नहीं हैं, हम तो ईस्टर के रूप में यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस को मना रहे हैं और उसी को ईस्टर कहा जाता है। तो हम ईस्टर देवी की आराधना तो कर ही नहीं रहे हैं, हम तो यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं। और ईस्टर मनाना ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति होली वाले दिन प्रार्थना कर रहा है या दिवाली वाले दिन प्रार्थना कर रहा है और तब आप कहते हैं कि ये तो दिवाली मना रहा है, जबकि मैं तो दिवाली वाले दिन प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहा हूँ, मैं तो दिवाली वाले दिन प्रभु की प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं दिवाली मना ही नहीं रहा हूँ। तो यदि आप ये कहते हैं कि ये ईस्टर जो है ईस्टर देवी से आया है और ईस्टर ईस्टर देवी का त्योहार है, तो मैं आपको बता दूं, त्योहार भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कलीसिया ना तो ईस्टर देवी के त्योहार को मना रही है ना ईस्टर देवी की आराधना कर रही है, कलीसिया तो यीशु मसीह के जी उठने को सेलिब्रेट कर रही है। और मैं आपको ये बता दूं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने को सेलिब्रेट करते हैं या फिर ईस्टर को सेलिब्रेट करते हैं, तो ईस्टर मुझे आपको संदेश देता है, कलीसिया को एक संदेश मिलता है कि डरिए मत, यीशु जी उठा है, डरिए मत, चमत्कार खत्म नहीं हुए हैं, चमत्कार करने वाला जिंदा है, आपको बचाने वाला जिंदा है, आपकी सुनने वाला जिंदा है, आपको उत्तर देने वाला जिंदा है। ईस्टर मुझे और आपको एक खुशी देता है, एक जॉय देता है यीशु मसीह के जी उठने के विषय में। मैं आपकी जानकारी के लिए बाइबल से दो शब्द पढ़ करके अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। और इससे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, यदि आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली हो, इंकरेज मिला हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे सपोर्ट के लिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ फिलिप्पियों 1 अध्याय उसकी 18 लिखा है, तो क्या हुआ, केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से, चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। पौलुस साफ शब्दों में कहते हैं, चाहे बहाने से, चाहे सच्चाई से, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की कथा सुनाई जाती है, मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। मेरे प्रियो, गुड फ्राइडे के जरिए से, क्रिसमस के जरिए से और ईस्टर के जरिए से भी सुसमाचार फैलता है, तो फैलने दीजिए, रोड़ा मत बनिए। एक और आज पढ़ करके मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, लिखा है 1 कुरिन्थियों 9 उसकी 20 पौलुस कहते हैं, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं जो व्यवस्था के अधीन है, उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं।
तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि कलीसिया को अच्छा लगता है, कलीसिया को इंकरेज मिलता है यीशु मसीह का जन्मदिन सेलिब्रेट करना, यदि कलीसिया को अच्छा लगता है गुड फ्राइडे मनाना, उसकी वजह से यदि उनको इंकरेज मिलता है मसीह में और उनको प्रोत्साहन मिलता है, विश्वास में उन्नति होती है, तो प्रॉब्लम क्या है क्रिसमस मनाने से, गुड फ्राइडे मनाने से, ईस्टर मनाने से? क्योंकि ये तो सच्चाई है, यीशु मसीह का जन्म हुआ है, ये तो सच्चाई है, यीशु मसीह क्रूस पर मर गए मेरे और आपके लिए, ये तो सच्चाई है कि यीशु मसीह तीसरे दिन कब्र में से जिंदा हो गए। तो जब ये सच्चाई है तो इन्हें सेलिब्रेट करने में प्रॉब्लम क्या है? इसलिए आनंद मनाइए, यीशु मसीह के जीवन को अपने जीवन में सेलिब्रेट करिए, क्योंकि पौलुस कहते हैं कि मसीह हमको सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। तो यदि आप मसीह में विश्वास करते हैं तो मातम मनाने के लिए मसीह में नहीं आए हैं, निराश जिंदगी जीने के लिए मसीह में नहीं आए हैं। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 16 अध्याय में, जो आनंद मैं तुम्हें दूंगा उसे कोई तुमसे छीन नहीं लेगा। सो मसीह में जॉय है, मसीह में आनंद है। पौलुस फिलिप्पियों 4:4 में कहते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। तो आनंदित रहिए, मसीह में लगातार बढ़िए, ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।